मॉर्निंग एवरीवन, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सेबी रेगुलेशंस 2009। आपको याद होगा जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तो वहाँ पे जब हमने फ्लोटेशन के मेथड किए थे सिक्योरिटीज के प्राइमरी मार्केट में, तो हमने बात की थी डिफरेंट मेथड्स के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस हैं सेबी की। और मैंने आपको वहाँ कहा था कि यही सेम रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस आपकी आगे जो चैप्टर आएगा सेबी रेगुलेशंस का, वहाँ पे सेम रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पे ये वही चैप्टर है, चैप्टर 5 सेबी रेगुलेशंस 2009। तो फर्स्ट हम जो रेगुलेशन कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग पब्लिक इशू। पहला है कि कॉमन कंडीशंस क्या है पब्लिक और राइट इशू के लिए, कि अगर आप पब्लिक इशू और राइट इशू निकाल रही है कंपनी तो कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन इसे फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी गाइडलाइंस उसके बारे में क्या है सेबी रेगुलेशंस 2009 के अकॉर्डिंग। तो रेगुलेशन 4 की जो गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं, जो कॉमन कंडीशंस हैं पब्लिक और राइट इश्यूज के लिए, कि जो इशूअर है वो सेटिस्फाई करेगा सभी कंडीशंस जब वो जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो फाइल कर रहा है सेबी के पास या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास या स्टॉक एक्सचेंज के पास। देन जो इशूअर है वो ये भी सेटिस्फाई करेगा कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप है, डायरेक्टर है या पर्सन इन कंट्रोल है इशूअर का, वो कभी भी कैपिटल मार्केट से उसे डिबार ना किया गया हो, कैपिटल मार्केट को असेस करने के लिए उसे कभी भी रोक ना लगाई गई हो। देन वो कंट्रोल में नहीं होना चाहिए किसी और कंपनी के जिसे डिबार किया गया है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने के लिए। देन जो इशूअर है कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का, वो विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में नहीं होना चाहिए आरबीआई की। उसे एक एप्लीकेशन देनी होगी वन या मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस पर जो भी इश्यूअर है, और इश्यूअर को एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा विद डिपॉजिटरी कि जो उसके सिक्योरिटीज़ हैं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं, उसे डीमेटेरियलाइजेशन उसका करवाया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स है आपको, उन्हें आपको आइदर फुली पेड अप करना पड़ेगा और जो भी फॉरफिट है वो करना होगा। तो जो अरेंजमेंट है 75% जो आपका फाइनेंस आएगा वो वेरिफाइबल मीन से होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंडीशन है दैट इज वारंट्स, अगर आप इशू कर रहे हो पब्लिक इशू या राइट इशू ऑफ सिक्योरिटीज के साथ, आप कर सकते हैं लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या हैं कि जो टेन्योर है इन वारंट्स का वो 18 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिस डेट को आपने अलॉटमेंट की है उससे, और नॉट मोर देन वन वारंट को आप अटैच कर सकते हैं एक सिक्योरिटी से। जो प्राइस है, कन्वर्शन फॉर्मूला जो वारंट्स का है वो अप फ्रंट डिटरमाइंड होगा, और 25% जो अमाउंट है वो रिसीव भी अप फ्रंट होगी। अगर वारंट होल्डर अपना ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है इक्विटी शेयर्स लेने का, तो जो अमाउंट है हर एक वारंट की उसे फॉरफिट किया जाएगा। जो अमाउंट है जर्नल पर्पसेस के लिए वो 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए जो अमाउंट आप रेस कर रहे हैं बाय इशुएंस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है दैट इज रिगार्ड अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर एंड अदर इंटरमीडियरीज के रिगार्डिंग रेगुलेशन। ये क्या कहती हैं कि एक या एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर और अदर इंटरमीडियरीज को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, इश्यूअर अपॉइंट करेगा जो भी ऑब्लिगेशंस की हैं, इशू जो भी ऑब्लिगेशन है इशू की उसे कैरी आउट करने के लिए। सिर्फ उन्हीं इंटरमीडियरीज को आप अपॉइंट कर सकते हो जो रजिस्टर्ड हैं बोर्ड के पास। अगर इशू को एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर मैनेज कर रहा है तो जो भी राइट्स, ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मर्चेंट बैंकर की वो प्री डिटरमाइंड होगी और उसे आपको अपने ऑफर डॉक्यूमेंट पर मैंशन करना पड़ेगा। जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो एडवाइस करेगा इश्यूअर को कि आपको कौन सी और अदर इंटरमीडियरीज को अपॉइंट करना है उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंडिपेंडेंटली असेस करने के बाद। जो एग्रीमेंट है आप एंटर करोगे बिटवीन इश्यूअर एंड मर्चेंट बैंकर एग्रीमेंट होगा, और जो अदर इंटरमीडियरीज हैं उनके साथ भी एग्रीमेंट होगा स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। देन जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं उसे भी इशूअर अपॉइंट करेगा, अगर जो इशू है आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू निकाल रहे हो। जो इशूअर है वो बैंकर्स टू एन इशू भी उस केस में अपॉइंट करेगा इन केस अदर इशू आप निकाल रहे हो। तो जो इशूअर है वो अपॉइंट करेगा एक रजिस्ट्रार जिसकी कनेक्टिविटी होगी सभी डिपॉजिटरीज से। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है रेगुलेशन 6 रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट।
कोई भी इशूअर जो है वो पब्लिक या राइट इशू अगर उस निकाल रहा है जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ का है, वो उसका जो अमाउंट है वो 50 लाख रुपीज़ या ज़्यादा है, वो नहीं निकाल सकता जब तक वो एक ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर देता है स्पेसिफाइड फीस के साथ सेबी के पास एटलीस्ट 30 डेज पहले। 30 डेज पहले किस चीज़ के? जो रजिस्ट्रेशन वो प्रोस्पेक्टस की करवा रहा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो रजिस्ट्रेशन वो करवा रहा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज के पास। देन जो बोर्ड है वो स्पेसिफाई कर सकता है चेंजेस या जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है ऑफर डॉक्यूमेंट के लिए विद इन 30 डेज ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग डेज, जो भी इनमें से बाद में हुआ। क्या? डेट ऑफ रिसिप्ट जब आपको हुआ है ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट का, या डेट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई जब आपको मिला है लीड मर्चेंट बैंकर से, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन या इंफॉर्मेशन किसी भी अदर रेगुलेटरी और एजेंसी से, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कॉपी किस चीज़ की? इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर की जो इशू किया है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज ने। देन जो इशूअर है या लीड मर्चेंट बैंकर है वो जो भी चेंजेस उसे ऑफर डॉक्यूमेंट में बताए गए हैं बोर्ड ने उनको ऑफर डॉक्यूमेंट में उसने करना है, कंप्लाई करेगा अपने प्रॉस्पेक्टस में, उन चेंजेस को इंक्लूड करेगा जो भी ऑब्जर्वेशन और चेंजेस बोर्ड ने कही हैं। देन फोर्थ पॉइंट है कि जो इशूअर है वो फाइल करेगा प्रॉस्पेक्टस, रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस और शेल्फ प्रॉस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर बोर्ड के पास थ्रू मर्चेंट बैंकर जब वो फाइल कर रहा है उस चीज़ को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज या डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज के पास। देन जो लीड मर्चेंट बैंकर है वो फाइल करेगा ऑफर डॉक्यूमेंट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के पास जब वो उसे फाइल कर रहा है बोर्ड के पास। देन जो सॉफ्ट कॉपी है ऑफर डॉक्यूमेंट की उसे भी आपको बोर्ड के पास फर्निश करना है। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है दैट इज रिगार्डिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन 7। ये क्या कहता है कि जो इश्यूअर है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से। अगर आप आईपीओ निकाल रहे हो तो सभी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस से जहाँ पे आप प्रपोज कर रहे हो अपनी सिक्योरिटीज़ को लिस्ट करवाने के लिए वहाँ से आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है। अगर आप एफपीओ फॉलो अप पब्लिक ऑफर या राइट इशू निकाल रहे हो तो उस केस में अगर आपकी जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ हैं वो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिनका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है तो उन सभी स्टॉक एक्सचेंजेस से आपको परमिशन लेनी है। और अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज जो हैं वो लिस्टेड नहीं है किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है तो उन स्टॉक एक्सचेंजेस से आपको परमिशन लेनी है जहाँ पे आप सिक्योरिटीज को प्रपोज कर रहे हो लिस्ट करवाने के लिए। अगर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं और बोथ टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं जहाँ पे नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है और जहाँ पे नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है तो आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी है उन स्टॉक एक्सचेंजेस से जिनके पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन आता है दैट इज रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू रेगुलेशन 8। ये कहता है जो पहले बात करते हैं बाय लीड मर्चेंट बैंकर ड्राफ्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट के साथ उसे एक सर्टिफिकेट कंफर्म करते हुए उसका एग्रीमेंट इश्यूअर के साथ, एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट डिबेंचर ट्रस्टी से इन केस अगर आप इशू कर रहे हो कन्वर्टेबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स को, और एक सर्टिफिकेट कन्फर्मिंग कि आपने सारी कंडीशंस को कंप्लायंस किया है, ये उसे सबमिट करवाना पड़ेगा बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू मर्चेंट बैंकर को। देन इसके अलावा जो मर्चेंट बैंकर है जब जो सेबी है उसने इशू की है कोई भी ऑब्जर्वेशन और जो सेबी है उसने कोई ऑब्जर्वेशन अगर इशू नहीं भी की है स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड जो है उसके एक्सपायर होने के बाद तक, तो जो अंडर रेगुलेशन 6 सबसे रेगुलेशन 2 जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है उसे सबमिट करवाने पड़ेंगे वो कौन कौन से हैं? एक स्टेटमेंट ये सर्टिफाई करते हुए कि सारे चेंजेस ऑब्जर्वेशन और सजेशंस जो सेबी ने दिए थे वो आपने अपने ऑफर डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं, एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द प्रोस्पेक्टस जब आप रजिस्टर कर रहे हो टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, देन एक कॉपी रेजोल्यूशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ने जो निकाला है फॉर अलॉटिंग सिक्योरिटीज टू प्रमोटर्स और जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है अगेंस्ट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू। देन एक सर्टिफिकेट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये सेटिस्फाई करते हुए कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पे कर दिया है, और ये जो सर्टिफिकेट है आपको ओपनिंग ऑफ द इशू से पहले सबमिट करवाना है और इस
के ऊपर ये किस चीज के साथ और क्या लगना है, नेम एड्रेस प्रमोटर्स का जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और कितना कितना अमाउंट उन्होंने पे किया है, एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट नेसेसरी करेक्टिव एक्शन के साथ अगर कोई लिया गया है, और ये सर्टिफिकेट भी आपको बिफोर ओपनिंग ऑफ इशू जमा करवाना है, देन एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट आफ्टर द इशू ओपन होने हो चुका है उसके बाद, लेकिन उसके क्लोज होने से पहले, सब्सक्रिप्शन के क्लोज होने से पहले आपको एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट को सबमिट करवाना है। देन परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासपोर्ट नंबर प्रमोटर्स का भी आपको सबमिट करवाना है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को जहाँ पे आप अपनी सिक्योरिटीज को प्रपोज कर रहे हो लिस्ट करवाने के लिए, और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको फाइल करना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू बी मेड पब्लिक रेगुलेशन 9। इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है वो आप पब्लिक करोगे कितने पीरियड के लिए, एटलीस्ट 21 डेज के लिए, किस डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड। देन जो लीड मर्चेंट बैंकर है आपका वो फाइल करेगा कमेंट्स जो भी पब्लिक से रिसीव हुए हैं और जो भी कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस आपने उसमें किए हैं, बोर्ड के पास वो अपने कमेंट्स को फाइल करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 21 डेज। देन जो इश्यूअर है आइदर ऑन द डेट ऑफ द नेक्स्ट डे ऑफ फाइलिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पब्लिश करेगा फैक्ट कि फाइल कर दिया है ऑफर डॉक्यूमेंट उसने एटलीस्ट 1 इंग्लिश नेशनल डेली न्यूज़पेपर, 1 हिंदी नेशनल डेली न्यूज़पेपर और 1 रीजनल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, और उस पब्लिकेशन में जर्नल पब्लिक से इनवाइट किए जाएंगे कमेंट्स जो भी डिस्क्लोजर्स बोर्ड ने किए हैं उस चीज़ के ऊपर। देन नेक्स्ट इज योर फास्ट ट्रैक इश्यूज रेगुलेशन 10। जो प्रोविजंस हैं सब रेगुलेशन 1, 2, 3 ऑफ रेगुलेशन 6, 7, 8 जो अभी आपने ऊपर किया है 6, 7, 8 वो अप्लाई नहीं होंगे इश्यूअर को अगर वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। वो कंडीशंस क्या हैं कि जो शेयर्स हैं कंपनी के वो लिस्टेड हैं किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे जिसका नेशन वाइड टर्मिनल्स है फॉर एटलीस्ट 3 प्रिसीडिंग ईयर्स, जो रेफरेंस डेट है उससे 3 प्रिसीडिंग ईयर्स से वो लिस्टेड है। देन जो एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है पब्लिक शेयर होल्डिंग का वो एटलीस्ट 3,000 करोड़ रुपीज है, जो एनुअलाइज ट्रेडिंग टर्नओवर है वो एटलीस्ट 2% है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का जो लिस्टेड है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 6 मंथ, जो इश्यूअर है उसने रीएड्रेस किए हैं एटलीस्ट 95% ऑफ द कंप्लेंट्स जो इन्वेस्टर्स की उसे मिली है इन द इमीडिएट एट द एंड ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर, जो इश्यूअर है उसने कंप्लायंस किया है विद द इक्विटी लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग जो भी रेफरेंस डेट है उससे। देन जो इम्पैक्ट है ऑडिटर क्वालिफिकेशन का ऑडिटेड अकाउंट्स पर इश्यूअर के वो इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए अकाउंट्स जो है डिस्क्लोज किए गए हैं ऑफर डॉक्यूमेंट में वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इफेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स के ऊपर रिस्पेक्टिव ईयर्स में। देन जो बोर्ड है उसने किसी भी तरीके की प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट ना की हो, कोई शो कॉज नोटिस ना दिया गया हो, कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग ना हो अगेंस्ट द इश्यूअर या प्रमोटर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स। देन जो एंटायर शेयर होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप की इश्यूअर की वो डीमेटेरियलाइज फॉर्म में होना चाहिए रेफरेंस डेट को, जो इश्यूअर है वो फाइल करेगा ऑफर डॉक्यूमेंट विद द बोर्ड एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज और स्पेसिफाइड फी को वो पे करेगा बोर्ड को। देन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स उसने सबमिट करवाने हैं, मर्चेंट बैंकर ने सबमिट करवाने हैं बोर्ड को एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट, और इन केस ऑफ फास्ट ट्रैक इशू ऑफ कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट एक ड्यू डिलीजेंस सर्टिफिकेट डिबेंचर ट्रस्टीज से आपको सबमिट करवाना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ओपनिंग ऑफ एन इशू रेगुलेशन 11, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।